नमस्कार दोस्तों, अर्चना राठौर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं ठंडा ठंडा नींबू शरबत। गर्मियों के दिनों की शुरुआत हो चुकी है और गर्मियों में नींबू शरबत ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर किसी के घर में नींबू शरबत बनता है, बनाते हैं हम लोग, लेकिन इसको बनाने का हर किसी का तरीका अलग अलग होता है। तो चलिए हम बेसिक तरीके से नींबू शरबत किस तरीके से बनाते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पे मैं 4 ग्लास नींबू पानी बनाने वाली हूँ, नींबू शरबत बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए 4 चम्मच चीनी, 1 नींबू और यहाँ पे 2 चुटकी काला नमक, 2 चुटकी नॉर्मल नमक और यहाँ पे मैंने 2 इलायची ली है जिसको दरदरा कूट लिया है। आप चाहो तो इलायची पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से दरदरी कूटी हुई इलायची बहुत ही स्वाद लाती है नींबू पानी को या नींबू शरबत को। तो चलिए सबसे पहले हम एक बर्तन में पानी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 ग्लास पानी लिया है क्योंकि मुझे 4 ग्लास नींबू पानी बनाना है या नींबू शरबत बनाना है। तो ये नॉर्मल पानी है, आप चाहो तो ठंडा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये नॉर्मल पानी है इसलिए मैं इसमें आइस डालूँगी। आप अपने हिसाब से आइस डाल सकते हो, बर्फ़ जितना आपको ठंडा पसंद है उतना डाल सकते हो। और ये 4 चम्मच चीनी, काला नमक 2 चुटकी, नॉर्मल नमक 2 चुटकी। आप चाहो तो काला नमक जो मैंने डाला है उसको स्किप कर सकते हो। और ये दरदरी कूटी हुई इलायची 2 और अब हम नींबू इसमें निचोड़ लेंगे। तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, मैं यहाँ पे 4 ग्लास नींबू पानी बना रही हूँ तो इसलिए मैंने नींबू जो है ये बड़े साइज का लिया है। नींबू निचोड़ने के बाद हम अच्छे से चीनी को मिक्स करेंगे पानी में। पूरी तरीके से चीनी यहाँ पे पिघल चुकी है तो अब मैं इसका टेस्ट देखूंगी। बस थोड़ा सा नींबू शरबत कटोरी में लेके इस तरीके से मैं इसकी टेस्ट देखूंगी। अगर आपको यहाँ पे थोड़ी सी चीनी कम लगती है तो ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने देखा है ये परफेक्ट तरीके से बन चुका है नींबू शरबत। तो अब मैं इसको छान लूँगी। इलायची का जो छिलका होता है उसके वजह से भी बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है। तो आप देख सकते हो नींबू पानी में इलायची का छिलका है। तो अब इस तरीके से हम छान लेंगे। तो ये बहुत ही बेसिक सा तरीका है नींबू शरबत बनाने का। उम्मीद है आपको ये रेसिपी, ये वीडियो पसंद आया होगा। तो यहाँ पे हमारा ठंडा ठंडा नींबू शरबत तैयार है, तो ज़रूर बनाइए गर्मियों में नींबू शरबत। पता है रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।